हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो आज आयनिक इक्विलिब्रियम का सिक्स्थ लेक्चर आ गया है और ये बफर सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट है। तो अगर बफर सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम 05 फिजिक्स वाला, या सिर्फ सर्च कर लीजिएगा बफर सॉल्यूशन फिजिक्स वाला। अगर आपको बफर की बेसिक नॉलेज है, आप सिर्फ बेसिक बफर सीखने आए हैं बेसिक नॉलेज है और बेसिक बफर तब भी सीखने आए हैं, मतलब एसिड बफर आपने पहले लेक्चर में पढ़ लिया है और बेसिक बफर सीखने आए हैं, तो आज हम वही पढ़ेंगे। देखो, पहले लेक्चर में मैंने बताया कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है। क्या होता है बताओ? ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पीएच को इजीली चेंज होने ना दे, है ना, कि हम किसी सॉल्यूशन में थोड़ा सा एसिड डालें या थोड़ा सा बेस डालें तो उस सॉल्यूशन का पीएच चेंज ना हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते थे बफर सॉल्यूशन, विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। फिर हमने देखा कि ऐसे सॉल्यूशन को हम कैसे कैसे बना सकते हैं, तो हमने बोला एक एसिडिक बफर होता है, एक बेसिक बफर होता है। एसिडिक बफर हमने पिछले वीडियो में पूरा कवर किया और उसमें बहुत से कंसेप्ट बताए हैं। अब बेसिक बफर में उतने कंसेप्ट नहीं बताने पड़ेंगे, वही सारे कंसेप्ट यहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। उस वीडियो में मैंने सारी छोटी छोटी बातें आपको बताई कि ऐसे भी हो सकता है, पीएच ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहां पे बस बेसिक बफर बताएंगे और जल्दी जल्दी वही सारी बातें बेसिक बफर में अप्लाई कर देंगे। कैसे वर्क करता है बफर सॉल्यूशन ये भी बताया था, कैसे अपने पीएच को चेंज होने नहीं देता, तो वही चीज हम बेसिक बफर में सीखेंगे। तो मेरा नाम अलक पांडे, हमारा आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला, और कॉपी निकालें, पेन निकालें, और ये नहीं कि इधर उधर की दूसरों की कॉपी पे लिख रहे हैं, कभी रफ कॉपी पे लिख रहे हैं, वरना एग्जाम टाइम फिर मेन कॉपी नहीं मिलेगी, दूड़ों के कहां लिखा था, तो प्रॉपर कॉपी होनी चाहिए। चलिए, तो हेडिंग लगाएं बेसिक बफर। एसिडिक बफर में पढ़ा चुका, बेसिक बफर बच्चों बनता है जब हमारे पास एक वीक बेस हो और हमारे पास एक सॉल्ट हो, इसी वीक बेस का एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। एक वीक बेस चाहिए और एक सॉल्ट चाहिए इसी वीक बेस का एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। जैसे हमने वीक बेस ले लिया NH4OH, अब एक सॉल्ट ले लिया NH4Cl। देखो, ये एक वीक बेस होता है और इसका सॉल्ट इसी वीक बेस का किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो वहां से Cl आ गया। जैसे मान लो हम ये ले लें NH4OH वीक बेस, और यहां पे सॉल्ट लेना है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो NH4 होल ट्वाइस SO4। अब देखो, ये सॉल्ट हो गया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे मान लो यहां हम एक वीक बेस ले लें CH3NH2, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिथाइल अमीन या मिथेनामाइन या अमीनो मिथेन, जो भी बोलो, IUPAC ने मिथेन अमीन होगा ना, मिथेनामीन। ये एक वीक बेस होता है। अब इसका सॉल्ट बना लिया मैंने CH3NH2 था, इससे आके एक H+ लगा और बाहर मान लो Cl-, तो ये इसका सॉल्ट बन गया किसके साथ? HCl के साथ। तो इस तरह से एक वीक बेस चाहिए और सॉल्ट चाहिए वीक बेस का किसके साथ? किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ठीक। तो ये तो बहुत ही सिंपलेस्ट तरह के बफर सॉल्यूशन हो गए मेरे पास। फिर याद है मैंने एसिडिक बफर में एक और तरह का बफर बनाया था, जहां पे दिखता तो नहीं है कि ऐसा कुछ है, पर जो चीजें दी हैं वो इसमें कन्वर्ट हो सकती हैं। मतलब जो चीज दी है वो एग्जैक्टली एक वीक बेस और एक सॉल्ट वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ नहीं है, बट कहीं ना कहीं रिएक्शन करके वो चीजें आपस में ये बन सकती हैं, उनको भी हम बफर सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो इसको नोट करें, इसको नोट करें, यहां पे दिखाते हैं। चलो, है ना, जैसे मान लो इनडायरेक्ट, ये तो डायरेक्टली दिख रहे हैं कि हाँ एक वीक बेस है, एक सॉल्ट है वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। इनडायरेक्टली कैसे कह रहा? जैसे मान लो ये लिख के दे दिया NH4OH+HCl। अब देखो, ये कॉम्बिनेशन दिख नहीं रहा बफर सॉल्यूशन है, ये क्या है? वीक बेस और ये क्या दे दिया? स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट नहीं है कहीं, पर ये दोनों आपस में तुरंत रिएक्ट करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन, और रिएक्ट करके क्या बना देंगे बच्चों? NH4Cl। अब देखो, ये क्या है? एक सॉल्ट है, किसका? वीक बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड का। अब सॉल्यूशन में ये भी प्रेजेंट है
और ये भी प्रेजेंट है, तो ये दोनों मिलाकर क्या बना देंगे? बफर सॉल्यूशन, प्रोवाइडेड इन दोनों में इसकी कंसेंट्रेशन इससे ज्यादा हो। जैसे मान लो इसकी कंसेंट्रेशन 0.2 मोलर हो, इसकी 0.1 मोलर हो, उससे क्या होगा? इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो ये तो खत्म हो जाएगा और बचेगा सॉल्यूशन में ये, क्योंकि ये ज्यादा है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये गया, ये लिमिट कर रहा है रिएक्शन को, ये गया, ये बचेगा और जो बनेगा वो बचेगा। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? बफर सॉल्यूशन। जैसे एक और स्पेशल बफर आपको दिखाऊं, मान लो हमको दिया NH4Cl plus NaOH। अब देखने में ये भी बफर मालूम नहीं पड़ता है, है ना, इसमें अमोनिया गैस भी बनती है वैसे, बट अगर सॉल्यूशन मिले तो काम बन जाएगा। देखने में ये भी बफर मालूम नहीं पड़ता, पर ये क्या है? ये तो सॉल्ट है सर, ये तो सॉल्ट है वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। मान लो इन दोनों में रिएक्शन हुआ, सो हमें क्या मिलेगा? NaCl मिल जाएगा और NH4OH। असल में तो अमोनिया गैस निकलती है, बट सॉल्यूशन में करेंगे तो ये रिएक्शन भी मिल जाएगा। अब क्या हुआ? NH4Cl है और ये क्या मिल गया? वीक बेस। इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो क्या बना सकता है? बफर, प्रोवाइडेड इन दोनों में इसकी कंसेंट्रेशन इससे ज्यादा, कुछ भी लिख सकते हैं, 0.6 हो या 0.4 हो, कुछ भी, इसकी इससे ज्यादा हो, ताकि ये बचा रहे जब ये खत्म हो जाए। तो इस तरह के स्पेशल बफर हमने आपको एसिडिक बफर में भी सिखाए थे इनडायरेक्टली, और यहां पे भी, कि दोनों का रिएक्शन करके बफर बन सकता हो। क्लियर है? चलिए, तो बेसिक बफर समझ में आ गया, एक वीक बेस चाहिए और एक सॉल्ट चाहिए वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। चलिए, तो जो अपना अगला टॉपिक है वो है पीएच ऑफ बेसिक बफर। बेसिक बफर का हमको पीएच निकालना हो, पीएच ऑफ बेसिक बफर। चलिए, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल यूज करेंगे। पहले हम फॉर्मूला लिख दें, हम यहां पे पीएच की जगह निकालते हैं पीओएच। एक्चुअली पीओएच इज इक्वल्स टू पीकेबी प्लस लॉग बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ बेस। ये फॉर्मूला आने वाला है, पहले से फॉर्मूला नोट कर लो। हम पीएच ना निकाल कर क्या निकालेंगे? पीओएच निकालेंगे। क्या आएगा? पीकेबी प्लस लॉग 10 कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ बेस। पीओएच से पीएच निकालना सबको आता होगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार ये चीज बताई है, पीएच प्लस पीओएच किसके इक्वल होता है? 14 के। बस, तो यहां से आप पीएच फाइंड कर सकते हो, हमेशा 14 नहीं होता, पर 25 डिग्री सेल्सियस पे 14 होता है जनरली, 99% केसेस में एग्जाम में 14। आइए अब देखें वो फॉर्मूला कैसे आ रहा। हम एक बफर सॉल्यूशन लेते हैं, बेसिक बफर। तो हमने लिया एक वीक बेस NH4OH और लिया एक सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। इन दोनों में से वीक कॉम्पोनेंट कौन है? ये रहा। आपने देखा है कि हमने जितना भी आयनिक पढ़ा, हम ज्यादातर स्टडी वीक कंपोनेंट की करते हैं। सो NH4OH को पार्शियली डिसोसिएट किया, बनेगा NH4 प्लस और OH माइनस। इसी तरह से आपने NH4Cl को डिसोसिएट किया, ये 100% डिसोसिएट हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पूरी तरह से डिसोसिएट किया, बना NH4 प्लस आयन और Cl माइनस। ठीक है, तो ये तो बहुत कम डिसोसिएट करता है, 5% से भी कम, और ये 100% पूरी तरह से। ठीक है, अब इस वाले के लिए हम लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस इज इक्वल्स टू, बोलो, कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस टू OH माइनस। बोलो, ये लिख सकते हैं इसके लिए Kb इज इक्वल टू दिस दिस डिवाइड बाय दिस। अच्छा, अब आप ध्यान देना, ये जो NH4OH की कंसेंट्रेशन है हमें कौन सी रखनी होती है? ये हम कब लिखते हैं? इक्विलिब्रियम पे, है ना। Kb कभी भी लिखा जा सकता है कि इक्विलिब्रियम पे, Kb सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे लिखा जा सकता है। तो इक्विलिब्रियम पे हमने लिखा Kb इज इक्वल टू दिस इनटू दिस अपॉन दिस। ठीक है, अब हम आपसे पूछते हैं कि ये NH4OH कहां से आ रहा है? आप बोलोगे यहां से, है ना, कहां से आ रहा? बेस से।
अब इक्विलिब्रियम पे जाते जाते बेस की कंसंट्रेशन कुछ तो कम हो जाएगी, पर हम कहते हैं आप यहां पर बेस की इनिशियल कंसंट्रेशन रख दो। आप सवाल पूछोगे सर ऐसा कैसे कर सकते हैं, देखो इन दोनों रिएक्शन को ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर कॉमन आयन इफेक्ट देखना है तो यूट्यूब पे टाइप करें आयनिक इक्विलिब्रियम 04 कॉमन आयन इफेक्ट फिजिक्स वाला, या कॉमन आयन इफेक्ट फिजिक्स वाला। देखो इस सॉल्यूशन में एक कॉमन आयन है NH4+, जिसकी वजह से यह रिएक्शन किधर जाना चाहेगा, बैकवर्ड, क्योंकि सॉल्यूशन में ये ज्यादा हो गए हैं NH4+, ये बहुत ज्यादा NH4+ देगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये रिएक्शन पीछे चला जाएगा, जिसकी वजह से NH4OH डिसोसिएट नहीं कर पाएगा। पहले ही NH4OH बहुत कम डिसोसिएट कर रहा था, क्यों, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक बेस है, पहले ही कम डिसोसिएट कर रहा था, ऊपर से एक इफेक्ट आ गया, कौन सा, कॉमन आयन इफेक्ट, तो इसका डिसोसिएशन सप्रेस हो गया, एकदम ही डिसोसिएट नहीं कर पा रहा, मतलब इक्विलिब्रियम तक आते आते कोई खास डिसोसिएशन इसका होना नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा कि इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन की जगह बेस की इनिशियल कंसेंट्रेशन रख सकते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये इतना डिसोसिएट नहीं किया। यहां पे रखनी कौन सी कंसेंट्रेशन होती है सबकी, सबकी इक्विलिब्रियम वाली, पर मैं ये कह रहा ये जितना था करीब करीब उतना ही रहेगा, 5% कर रहा था, उससे भी कम अप करेगा, तो मैंने वही मान लिया। अच्छा, अब ये NH4+ कहां से आने वाला है, आप बोलोगे NH4+ यहां से आएगा, NH4+ यहां से आएगा, भाई साहब ये कितना डिसोसिएट कर रहा, 100%, और ये 5% कर रहा था, अब उससे भी कम कर रहा, यानी NH4+ जो सॉल्यूशन में मिलने वाला है वो करीब करीब सारा NH4+ यही सप्लाई करेगा। ये तो वैसे भी वीक था, अभी कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड चला गया है, यानी मैक्सिमम NH4+ कहां से मिलने वाला है, मैक्सिमम NH4+ सॉल्ट से मिलने वाला है। अच्छा, मान लो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन है 0.1 मोलर, जस्ट सपोज, तो NH4+ कितना बनेगा, पूरी तरह से डिसोसिएट करेगा, एक मोल से एक मोल बनाता तो 0.1 मोलर से 0.1, मतलब NH4, और ये कितना मान लो, ये 0.00001, भाई ये तो बहुत कम, ये पूरी तरह से डिसोसिएट ही नहीं करेगा। तो कहने का मतलब NH4+ की जो कंसंट्रेशन है उसकी जगह हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी रख सकते हैं। सो NH4+ की जगह हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन रख सकते हैं। दिस इज नॉट ट्रू इन 100% केस, ये मैंने एसिडिक बफर में भी समझाया था, बट स्टिल कर सकते। याद रखना कि ऊपर एक्चुअल में ऊपर इसका कॉन्जुगेट आयन रखते हैं, इसका कॉन्जुगेट आयन रखते हैं, क्लियर है। तो हम कहां पे थे, ये कह रहे थे कि यहां पे सॉल्ट लिख लो, यहां पे बेस, सो हम लिख सकते हैं KB = कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, NH4+ कहां से आ रहा, सॉल्ट से, जितना सॉल्ट उतना NH4+ OH-, और नीचे लिख सकते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ बेस, ये केबी की इक्वेशन बन गई, सही है भैया है। यहां से OH- की क्या इक्वेशन बना सकते हैं आप, कहां लिखूं, यहां लिख लूं साइड में, जरा देखो, मैं लिख सकता हूं OH- = KB(Base)/Salt, लिख सकते हैं OH- = KB(Base)/Salt, दिखाई पड़ रहा है ये कोना, अच्छा नहीं दिख रहा, चलो यहां बनाता हूं इसको, मैं यही लिख लेता हूं, यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, KB = ऊपर लिख सकते हैं Salt(Oh-), और नीचे लिख सकते हैं बेस, चलो यहां तक समझ में आया, सॉल्ट। अब OH- की कंसेंट्रेशन इधर कर लें, चलो OH- की कंसेंट्रेशन बोलो, बोलो KB(Base)/Salt, अब क्या करो, दोनों तरफ -log10 लगा दो, सो -log10 OH- = -log10 KB, ये देखो A(B)/C, तो log A प्लस log B माइनस log C, वैसे मैंने माइनस log लिया है, सो माइनस log
कंसेंट्रेशन ऑफ बेस, और ये नीचे है तो माइनस लगेगा, और मैंने माइनस लॉग लिया है तो क्या हो जाएगा, प्लस लॉग 10 कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब देखो माइनस लॉग 10 एच प्लस क्या होता था, पीएच, तो माइनस लॉग 10 ओ एच माइनस क्या हो जाएगा, पी ओ एच। माइनस लॉग 10 एच प्लस होता था पीएच, तो माइनस लॉग 10 के बी हो जाएगा पी के बी, पी के बी। प्लस लॉग 10 सॉल्ट माइनस लॉग 10 बेस, लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बाय बी। देखो यही फॉर्मूला आना था, आ गया। क्या क्लियरली दिखाई पड़ रहा है बोर्ड का ये कोना, मैं खुद से चेक कर लूं। जी हाँ क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। माइनस लॉग 10 ओ एच माइनस हो गया पी ओ एच, ये के बी वाला टर्म पी के बी, लॉग 10 सॉल्ट अपॉन बेस है ना, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी। सो दिस इज द फॉर्मूला। बट फिर भी दिमाग में याद रखना कि आप यहां पे आयन रखते हो, ये बात दिमाग में ध्यान रखना, ठीक है। ऑल्दो ये सॉल्ट की कंसेंट्रेशन के बराबर हो गया, बट स्टिल रिमेंबर दिस डेरिवेशन, ठीक है, तभी मजा आएगा क्वेश्चन करने में। अगर सिर्फ फॉर्मूला रट के जाओगे तो सवाल गलत होने लगेंगे, अच्छा सवाल आएगा तुरंत गलत, मेंस वेंस में हो सकता हो फॉर्मूला बेस आ जाए। क्लियर है, पूरी कहानी समझ में आई, इसका केबी कैसे लिखा, यहां पे क्यों इनिशियल कंसेंट्रेशन रख पाया, इसकी जगह क्यों सॉल्ट रख दिया, सब क्लियर है, उसके बाद तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। चलो तो इतनी बातें समझने के बाद आपको पीएच का फॉर्मूला मिला, पीओएच का मिला, पी के बी प्लस लॉग 10 सॉल्ट बाय बेस, और हमें पता है पीएच प्लस पीओएच इज 14, उसको भी यूज करेंगे पीएच निकालने के लिए। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। क्वेश्चन यहां लिख लिया जाए, पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी, बोलो बोलो मेरे साथ, लॉग 10 सॉल्ट बराबर बेस। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, तो पहला न्यूमेरिकल हमको दे रहा है फाइंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग 0.02 मोल्स NH4OH इन 0.03 मोल्स NH4Cl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, और NH4OH के लिए KB दे रखा है 10 की पावर -5। चलिए इसको किया जाए, क्या ये बेसिक बफर समझ में आ रहा है, बेस वीक बेस, वीक बेस का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड साथ, वीक बेस का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग, मतलब ये बेसिक बफर है। सो वी कैन राइट पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस। अब पी के बी का मतलब माइनस लॉग 10 के बी प्लस लॉग 10 कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कहां है इसमें, ये रहा NH4Cl। देखो ऊपर आता क्या था, ऊपर आया था NH4+ का कंसेंट्रेशन, NH4+ कहां से आएगा, इसमें से भी आएगा, इसमें से भी, पर ये तो बहुत वीक है, इसका KB देखो 10 की पावर -5, एकदम डिसोसिएट ही नहीं करना चाहता, तो सारा NH4+ यहां से आएगा, जितना NH4Cl उतना NH4+ आयन, मतलब 0.03 मोल्स डिवाइडेड बाई 1 लीटर, नीचे बेस की कंसेंट्रेशन, बेस ये रहा कितना है 0.02 मोल्स डिवाइडेड बाय 1 लीटर, माइनस लॉग 10 के बी, के बी की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -5, तो यहां 10 की पावर -5, लॉग में पावर बाहर चली आती है, माइनस माइनस प्लस 5, लॉग 10 टू द बेस 10 1 प्लस लॉग बेस 10 0.03, तो यहां पॉइंट पॉइंट हटा 3/2, लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी लिख लेंगे, यानी ये हो जाएगा लॉग 3 माइनस लॉग 2। तो पिछले 2-3 लेक्चर से मैं इनकी वैल्यू आपको बता रहा हूं, लॉग 3.477 होती है और लॉग 2.3 होती है। सो ये इसका पीओएच आ गया, ये हो जाएगा 0.47 माइनस 5 प्लस 0.17, यानी 5.17 या 5.18 बोल लो, क्योंकि ये 0.477, ये क्या निकला पीओएच।
तो पीओएच मिल गया 5.17, तो पीएच कितना हो जाएगा 14 माइनस पीओएच, दोनों को जोड़ने पे 14 आता है, यानी 14 माइनस 5.17। ये मैंने पिछली लेक्चर्स में आपको ये चीज समझाई है, डिराइव भी कराई है, याद रखेंगे किसी भी सॉल्यूशन में इनका सम 14 होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। सो 14 माइनस 6 कर लो सीधा 8, फिर 8.83, बोलो सही है, 8, 5, 13, 83, 17, 14, ठीक। सो पीएच आ रहा 8.83, क्लियर क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन आप मेरे लिए अब करके दिखाइए, मिटार दूं, ओके। फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, सेम क्वेश्चन रहेगा, ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग obtained by mixing 0.1 mole NH4OH Kb 10 की पावर माइनस 5 एंड 0.1 मोल NH4 होल ट्वाइस SO4 इन 500 ml सॉल्यूशन। बहुत न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा इसमें, एसिड वाले में सब कराएं, कंसेप्ट वही है। चलिए अब इसमें हमको पीएच निकालना है, क्या ये बेसिक बफर है, पहले चेक करो, वीक बेस, सॉल्ट वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 के साथ, सही है। फॉर्मूला लिखेंगे POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ बेस। PKB माइनस लॉग 10 KB, तो वो आप जान रहे हो कितना आएगा 5, माइनस लॉग 10 10 की पावर माइनस 5 प्लस लॉग 10 कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट ये रहा 0.1 अपॉन 500, पर ये गलत होगा। आप याद रख, अगर याद आए तो बेस में नीचे क्या था NH4OH और सॉल्ट में ऊपर क्या था NH4 प्लस का कंसेंट्रेशन था, मैंने कहा था याद रखो। अब एक बात बताओ, यहां NH4 प्लस का कंसेंट्रेशन क्या इतना ही होगा, जरा सोचो, NH4 होल ट्वाइस SO4 कैसे डिसोसिएट करेगा, 2 मोल्स ऑफ NH4 प्लस। इसके अगर मेरे पास 0.1 मोल है तो इसके ये 0.2 मोल देगा, यानी इस क्वेश्चन में अगर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन सीधा सीधा रख दी तो आंसर गलत आएगा, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन है 0.1 अपॉन 500 ना, हमें NH4 प्लस की चाहिए जो भी होगी 0.2 अपॉन 500, याद रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ऊपर सॉल्ट लिखा तो है, चल भी जाएगा जब अपना एक ही आयन वाला हो सॉल्ट, पर जब दिख रहा है कि दो आयन है तो सॉल्ट के दो आयन, मतलब इसके दो आयन निकल रहे, याद रहेगी ये बात, एसिडिक बफर में भी समझाई थी कई बार कि ऊपर आयन याद रखना, सीधा सीधा बच्चे सॉल्ट लिखते हैं क्वेश्चन गलत हो जाता है, अभी इसकी कंसेंट्रेशन में लिखता सवाल पूरी तरह से गलत। सो इट विल बी 0.2 अपॉन 500 डिवाइडेड बाय, अब मैं लीटर लीटर में चेंज नहीं कर रहा क्योंकि नीचे भी वॉल्यूम ऊपर भी वॉल्यूम सब कैंसिल होना है, बेस तो यहीं से मिलना है 0.1 अपॉन 500, सो 500 से 500 मर जाएगा, 5 प्लस लॉग बेस 10 2 बाई 1 log 2, log 2 की वैल्यू होती है 0.30, सो द पीओएच विल बी 5.30, सो पीओएच मिला 5.3। अब पीएच कितना हो जाएगा 14 माइनस पीओएच, सो 14 माइनस 5.3, 14 में 6 गया 8, 8.7, बोलो सही है, 8, 5, 13, 7, 3, 10, तो इस सॉल्यूशन का पीएच आएगा 8.7। तो अब ये मेरा कंसेप्ट आप याद रखोगे कि ऊपर कहने को तो सॉल्ट लिख देते हैं पर आपको याद रखना है कि ऊपर सॉल्ट नहीं बेस का आयन होता है, बेस का आयन, बेस का कैटायन, बेस जो रखा है नीचे उसका कैटायन, ठीक है, जो बेस नीचे रखा है आपने उसका कैटायन होता है और यहां से उसके दो कैटायन निकल रहे हैं, ये हमको साफ समझ, जैसे मान लो यहीं पे हमारे पास ये दे देता NH4 होल थ्राइस PO4 अमोनियम फॉस्फेट, तो यहां पे इसकी ट्रिपल कंसेंट्रेशन रखनी होती, सीधा सॉल्ट की रखते तो आंसर गलत आता, मिटा दे, ओके। तो ये सारे कंसेप्ट एसिडिक बफर में भी कवर किए थे,
चलिए ये तो हो गए सिंपल बेसिक बफर सॉल्यूशन, जहां पे दिख रहा था एक वीक बेस भी है और एक सॉल्ट भी है। मान लो अब ऐसा बेसिक बफर हो जिसमें दिखना रहा हो, जैसे मान लो हमसे ये क्वेश्चन दिया फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 0.2 मोलर 500 ml NH4OH एंड 0.1 मोलर 200 ml HCl और इसका K भी हमको दे रखा है 10^-5। चलो पहले तो ये बताओ कैसे करेंगे इसको, एसिडिक बफर में डिस्कस किया था, क्या ये बफर सॉल्यूशन है या ये बफर सॉल्यूशन नहीं है, पहले तो माइंड मेकअप करो। देखो डायरेक्टली देखें तो हमारे पास एक वीक बेस है पर हमारे पास सॉल्ट नहीं है, पर अगर हम सोचें तो ये दोनों आपस में रिएक्ट तो करना चाहेंगे NH4OH और HCl, एक बेस है एक एसिड है, चलो रिएक्ट कराते हैं NH4OH प्लस HCl, एसिड बेस रिएक्शन क्या बनेगा सॉल्ट और वाटर NH4Cl प्लस H2O, दोनों रिएक्ट कर गए, अभी ये बफर जैसा नहीं दिख रहा था पर रिएक्ट करके कुछ हुआ। यार ये जो सॉल्ट बना है बच्चों, ये सॉल्ट वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का ही तो है, यही सॉल्ट तो चाहिए था इसके साथ बफर के लिए, मतलब बफर सॉल्यूशन बन सकता है अगर रिएक्शन होने के बाद, ये तो बनेगा ही, रिएक्शन होने के बाद मेरे पास ये भी बचा हो, ऐसा ना हो ये खत्म हो जाए, अगर ये खत्म हो गया तो बफर नहीं बनेगा। आइए देखते हैं तो इसके कितने मोल्स हैं, इसके कितने मोल्स हैं, ये देखें दो सॉल्यूशन दिए हैं, इसके मोल्स निकालने हैं आपको, तो बच्चों मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है m into v, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 0.2 into 500, तो 2 से पॉइंट से ये हटा 2 5 10, इसके 100 मोल्स, मोल्स तो नहीं कह सकते, वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मोल्स की जगह क्या लिख लो मिली मोल्स, है ना, इसको या तो लीटर में चेंज करो मोल्स निकालो या सीधा 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 मल्टीप्लाई करके एमवी में जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उनको मिली मोल्स बोल दो, तो ये पॉइंट से ये हटा 100 मिली मोल्स। HCl की बात करें, ये पॉइंट हटा ये, तो इसके पास 20 मिली मोल्स हैं, NH4Cl कहीं पे भी नहीं है, 0 0, ये इनिशियल कंडीशन है। अब रिएक्शन होगा, पहले कौन खत्म होगा, HCl खत्म होगा, बहुत कम मोल्स हैं, तो HCl के 20 मोल्स खत्म हो गए, 20 मिली मोल्स पूरे खत्म हो गए, HCl का एक खत्म होता तो इसका एक बनता, 20 खत्म हुआ तो इसका 20 मिली मोल्स, चलो सॉल्ट तो मिल गया, अब इसकी बारी, इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्ट करता, 20 मोल्स है तो कितने मोल से रिएक्ट करेगा, 20 मिली मोल से। अच्छा ये सारा रिएक्शन होने के बाद आओ देखो फाइनली क्या क्या हमारे पास बचा और क्या क्या बना, ये 100 मिली मोल था शुरू में, 20 चला गया, 80 मिली मोल बचा, ये 20 था पूरा खत्म हो गया कुछ नहीं बचा, ये 0 था 20 बना तो 20 बचा, तो 20 मिली मोल्स, सो फाइनली व्हाट यू हैव इन सॉल्यूशन, फाइनली वी हैव 80 मिली मोल्स ऑफ NH4OH व्हिच इज अ वीक बेस एंड वी हैव 20 मिली मोल्स ऑफ NH4Cl व्हिच इज अ सॉल्ट, जो कि एक सॉल्ट है वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का, और ये पूरी तरह से खत्म। अब ध्यान से देखो क्या ये बफर सॉल्यूशन बन गया, बन गया। तो ये तरीका एसिडिक बफर में भी सिखाया गया था आपको, यहां पे भी, कि अगर डायरेक्ट ना दिया हो तो बफर बनाओ, कंडीशन ये है कि ये इससे ज्यादा हो, अदरवाइज बफर नहीं बनेगा, अदरवाइज जो बनेगा उसका भी पीएच निकाल सकते हो, दिमाग चलाना रहेगा। खैर इतनी मशक्कत के बाद आप इसका पीओएच निकाल सकते हो, नोट कर लीजिए फिर मैं मिटा रहा हूं, नोट कर लिया, यहां तक पॉज करके नोट कर लो। ओके अब देखो इस सॉल्यूशन का मैं पीओएच निकालूंगा, पीएच तो निकलेगा नहीं पहले,
POH is equals to PKB. तो इसका KB 10 की पावर माइनस 5, PKB लेंगे 5, प्लस log बेस 10, ऊपर क्या है सॉल्ट, ये रहा सॉल्ट, इससे एक ही NH4 प्लस बनेगा, यानी इसी की कंसेंट्रेशन रख सकते हैं. So 20 into 10 to the power minus 3 millimoles है, divide by volume. तो याद करो तो volume में कुछ कहानी थी, इसका शायद 500 ml volume दिया है, इसका शायद 200 ml, कुछ फर्क नहीं पड़ना. Total volume 700 ml, कोई फर्क नहीं पड़ना है, सब कट जाना है ऊपर नीचे. नीचे base की concentration 80 millimole, 80 into 10 power minus 3 divide by volume 700 ml. देखो सब कट गया है ना, अपन millimoles भी रख सकते थे सीधा सीधा, कोई टेंशन नहीं. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 1 by 4, यानी log 10, so it will be what, how much, 5 plus log base 10, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4 की power minus 1, 4 की power minus 1, ये बनेगा, है ना, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 1 by 4, 4 की power minus, ये बाहर आ जाएगा, so it will be 5 minus log 4, log 4 को लिख सकते हैं, 2 log 2, 2 log 2, 5 minus 2 into log 2 की value 0.3, 5 minus 0.6, so it will be 4.4. ये इसका क्या निकला? POH, 4.4. अब आप pH निकाल सकते हो, pH कितना हो जाएगा? 14 minus POH, so 14 minus 4.4, it will be 9.6. Clear हो गया? So इस तरह से buffer solution का POH या pH निकाल सकते हैं, ठीक है? सारे कंसेप्ट एसिड बफर वाले ही मैंने टॉपिक में क्लियर किए हैं, हो गया? चलिए इसमें और कुछ कितने न्यूमेरिकल कराएं, क्लियर हो गया है ना कंसेप्ट, वही चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है? तो उस वीडियो को अच्छे से जरूर देख ले, मिटा रहे हैं? अब इसमें वो क्वेश्चन भी बन सकता है कि इस बफर में मैं थोड़ा सा एसिड मिला दूं तो नया पीएच क्या होगा, तो उसके लिए आप एसिड बफर के लास्ट के 15-20 मिनट देखो, उसमें ऐसा क्वेश्चन कराया है. अब बात कर लेते हैं इसके एक्शन की कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है? वर्किंग ऑफ बेसिक बफर, ठीक है, इसको एक्शन ऑफ बेसिक बफर भी बोलते हैं. हाउ इट वर्क्स, तो बच्चों एक काम करते हैं, वही एग्जांपल उठा लेते हैं अपना, NH4OH, इसको डिसोसिएट कर लिया, क्या बना NH4 plus और क्या बना OH minus, और NH4Cl ले लिया मैंने, salt completely डिसोसिएट करेगा गिव्स NH4 plus और Cl minus. ये एक एग्जांपल है बफर सॉल्यूशन का, एक वीक बेस और वीक बेस का salt स्ट्रॉंग एसिड के साथ. अब हमें देखना है कैसे ये अपने pH को चेंज नहीं होने देता, कैसे एसिड मिलाने पे या बेस मिलाने पे इसके पीएच पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. देखो एसिड डालोगे तो ये देगा H+ आयन, एसिड से क्या निकलेगा H+ आयन, ये H+ आयन जाएगा और इस OH- आयन से कंबाइन कर लेगा, और अगर बेस डालोगे तो बेस से निकलेगा OH- आयन, OH- आयन आएगा और इस NH4+ से कंबाइन करेगा, ठीक है? पहले तो इतना बताया एसिड से H+ निकलेगा जो कि OH- से कंबाइन करना चाहेगा, और बेस से OH- निकलेगा जो कि NH4+ से कंबाइन करना चाहेगा. आइए देखते हैं अब स्टेप बाय स्टेप. चलो पहले एसिड की बात कर लेते हैं. मान लो हमने इसमें थोड़ा सा एसिड मिलाया, ज्यादा नहीं, और उससे H+ निकला. अब ये H+ तुरंत OH- से कंबाइन करना चाहेगा, दिस H+ विल कंबाइन विथ OH- आयन और क्या बना लेगा H2O. सॉल्यूशन को क्या फर्क पड़ेगा, सॉल्यूशन को ये फर्क पड़ेगा कि सॉल्यूशन का OH- आयन कंसंट्रेशन कम होने लगेगा, है ना? तो सॉल्यूशन को दिखेगा कि भाई साहब मेरा OH- आयन का कंसंट्रेशन कम हो रहा. अब NH4OH थोड़ा सा डिसोसिएट करेगा और OH- की कंसंट्रेशन को वापस रिस्टोर कर देगा. सवाल आता है ये वो ऐसा क्यों करेगा, है ना? तो वो ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. ली चैटलियस प्रिंसिपल हमने पढ़ा है,
वो कहता है अगर किसी भी तरफ एक चीज कम पड़ती है तो दूसरी तरफ से डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन से OH- आयन हटने लगे तो NH4OH डिसोसिएट करेगा, OH- आयन की कंसेंट्रेशन को रीस्टोर। सो NH4OH डिसोसिएट्स टू रीस्टोर OH- आयन कंसेंट्रेशन। अब बताओ सॉल्यूशन को क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। H+ आया, OH- ने उससे कंबाइन किया और क्या बना दिया? H2O। हाँ, तो उससे OH- आयन सॉल्यूशन का कम हो गया, जिससे सॉल्यूशन एसिडिक हो दे सकता था, हो सकता था, पर OH- की जो कमी थी वो इस इक्विलिब्रियम को पसंद नहीं आई। ली चैटलर प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करोगे उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो NH4OH और डिसोसिएट किया और OH- की कंसेंट्रेशन को वापस रीस्टोर कर दिया, जिससे सॉल्यूशन की OH- कंसेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मान लो इसमें हम कोई बेस मिलाएं और बेस से निकला OH- आयन, ये OH- आयन जाएगा NH4+ के साथ कंबाइंस टू गिव NH4OH। अब इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, जरा सोचो। ये फर्क पड़ेगा कि NH4OH का कंसेंट्रेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, बस। आप ये मत कहना कि इक्विलिब्रियम से NH4+ की कंसेंट्रेशन कम होगी। यू कैन नॉट से दिस कि NH4+ की कंसेंट्रेशन कम होगी। नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों भाई? NH4Cl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये 100% डिसोसिएट करके NH4+ की कंसेंट्रेशन खूब ज्यादा इसमें दे चुका है। सो NH4+ कम पड़ने वाला नहीं है। आप बोलोगे पर सर ये तो ज्यादा हो रहा, एक प्रॉब्लम तो है कि इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ रही तो ये डिसोसिएट नहीं करेगा, नहीं करेगा, इस तरफ किसी चीज की कमी नहीं पड़ रही है, वैसे भी इसका डिसोसिएशन रुका हुआ है बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। NH4OH इंक्रीजेस, मैं मान रहा हूं, बट कैन नॉट डिसोसिएट ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। क्या बिल्कुल नहीं करे? करेगा, पर यहां पे स्मॉल अमाउंट की बात हो रही है, नहीं कि बहुत ढेर सारा OH माइनस, बहुत ढेर सारा OH माइनस दोगे बहुत ढेर सारा NH4 जाएगा, बहुत ढेर सारा NH4OH बन जाएगा, जिससे इस तरह कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो फिर से इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होगा जिससे OH माइनस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी और सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। बहुत ज्यादा एसिड डालोगे बहुत ज्यादा H+ आएगा, बहुत ज्यादा OH- चला जाएगा, बहुत ज्यादा OH- चला गया, OH- कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी, बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी, तो ये डिसोसिएट करके उसको वापस स्टेबल नहीं कर पाएगा सॉल्यूशन में, OH- कम होगा, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। पर यहां बातें हो रही है स्मॉल अमाउंट के लिए, स्मॉल अमाउंट OH- आया, NH4+ से कंबाइन किया, NH4+ का कंसेंट्रेशन गिरने लगा, पर यार NH4+ तो बहुत है ये दे रहा है, तो ये बात करना गलत है। NH4+ हमारे पास बहुत है, कहां से? फ्रॉम NH4Cl। NH4OH कंसेंट्रेशन बढ़ेगा पर इतना नहीं बढ़ेगा कि वो डिसोसिएट करना चाहे। सो दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बेसिक बफर। बाकी न्यूमेरिकल एसिडिक बफर में इतने करार रखे, वहीं से बेसिक बफर का भी आइडिया आपको लग जाएगा। तो यहां पे आपका बफर सॉल्यूशन टॉपिक खत्म होता है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट टॉपिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, और मुझे नहीं पता सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मुझे दो वीडियो लगेंगे या तीन वीडियो लग जाएंगे। एनीवेज, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।